हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही पकवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे दाल पकवान, जो सिंधी लोग की स्पेशल दाल पकवान होती है। अगर अभी आप मार्केट बंद है और लॉकडाउन की सिचुएशंस चल रही है, तो घर के ही सामग्री से हम कैसे बनाएंगे दाल पकवान, जो एक स्ट्रीट फूड है। तो चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पकवान बनाएंगे। पकवान बनाने के लिए हमने ये बड़ी सी परात ली है, उसके अंदर हम डालेंगे गेहूं का आटा डालेंगे। ये मैंने 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। उसके अंदर हम डालेंगे सूजी, ये मैंने 1 कटोरी लिया है। सूजी ली है, बारीक सूजी ली है। रेशियो है 3:1 का रेशियो है। 3 कटोरी मैंने आटा लिया है और 1 कटोरी सूजी ली है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून अजवाइन डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ, बड़ा 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो उसके साथ जीरा भी डाल सकते हो, पर मैं अजवाइन डाल रही हूँ। देखो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालते रहेंगे। ये आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम उसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये आटा हमारा फूलकर सेट हो चुका है। बड़ी हम उसका पेड़े जैसा हम उसकी लुइया बनाएंगे। पूरे आटे की लुइया मैंने बनाकर तैयार कर दी है। अब हम उसको पूरी की तरह हम एक के बाद एक हम बेल लेंगे। अब हम उसको बेल देंगे एक के बाद एक। ये हम सूखे आटे से हम उसको लपेट देंगे। हमें इसको एकदम पतली बेलना है। आप चाहे तो छोटा भी बेल सकते हो। मैंने यहाँ पे रोटी की साइज का मैंने बड़ा बेला है और इसको फोक की हेल्प से ऐसे मैं कर दूंगी, क्योंकि बीच में ये फूले नहीं। फूलेगी भी नहीं और क्रिस्पी बनेगी। हमें याद रखना है कि मोटी नहीं बेलना है, पतली ही बेलना है हमें। इसको हम प्लेट के अंदर ऐसे रख देंगे। एक के बाद हम उसको ऐसे ही पूरी तैयार कर देंगे। ये पकवान हमने पूरा बेल लिया है। अब हम उसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हम चेक कर लेते हैं कि क्या आया कि नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक के बाद एक हम उसको डीप फ्राई करते रहेंगे। हम इसे डीप फ्राई कर देंगे। इसे बीच बीच में हम उसको चलाते रहेंगे। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ऐसे हम उसको फ्राई करेंगे। अब हम उसको निकाल लेंगे। ये सारे पकवान हमारे रेडी हो चुके हैं, डीप फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से क्रिस्पी बने हुए। तो अब हम बनाएंगे दाल। दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैं ये 1 कटोरी चना दाल ले रही हूँ। इसको हम ओवरनाइट के लिए सोक कर देंगे। पहले तो हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे, उसके बाद हम ओवरनाइट उसको पानी के अंदर सोक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चना दाल को ओवरनाइट के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने दाल है जो ओवरनाइट सोक कर दी है। या तो चाहे आप 7 to 8 आवर्स भी उसको
पानी के अंदर भिगो के रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट रखी थी, अब हम उसको प्रेशर कुकर के अंदर हम उसको कुक कर देंगे। इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर हम कुक कर लेंगे। इसके अंदर मैंने डाला है एक टमाटर और एक मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ और हल्दी डाल रही हूँ। अब हम उसको कुक कर लेंगे। पानी डाला एक ग्लास। ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें हम और पानी ऐड करेंगे और इसको हमें तड़का वगैरह कुछ देना नहीं है, ऐसे ही हमें सिंपल ही रखना है। ऑलरेडी हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है और हल्दी भी डाल दी है और ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ऐसे ऐसे थिक होती जाएगी, इसलिए यहाँ पे एक गिलास पानी डाला है और मैं थोड़ी 2 मिनट के लिए ऐसे ही उसको गैस की आंच पे पकाऊंगी। इसके अंदर हमें और कुछ डालना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सिंपल हमें दाल रखनी है। रेडी है हमारा ये दाल पकवान, जिसको मैंने पकवान के साथ मैंने नमकीन, ये सिंग पचिया, सेव, प्याज और खजूर आमली की चटनी और मैंने हरी चटनी, धनिया पुदीना की चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। आपने देखा ही होगा कि हमने घर पे दाल पकवान कैसे बनाया है। जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं उसी से ही मैंने दाल पकवान बनाया है और जो पकवान हमने बनाया है वो आप इवनिंग स्नैक में चाय के साथ भी आप ले सकते हो और उसको महीने तक आप स्टोर कर सकते हो और जब भी आपका मन करे सिर्फ आपको दाल बनानी ही रहेगी। तो प्लीज़ आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।